यथा नदीनां बहवो अम्बु वेगः समुद्रमेव अभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्ज्वलन्ति। जिस प्रकार से नदियां वेग के साथ दौड़ती हुई समुद्र में मिलती हैं और बहती रहती हैं, अर्जुन ने कहा कि मैं देख रहा हूं, आपके अंतर में ये सब नरलोक वीरा विशन्ति, अनेक मनुष्य और अनेक लोक आपके मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं। भगवान के प्रति अर्जुन ने ये वर्णन किया कि जो दृश्य मैंने देखा उसमें ये एहसास करता हूं कि यदि आपसे सारा संसार निर्मित हो रहा है तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि सब आप में ही समाहित हो रहा है, आपके मुख में ही सब प्रवेश कर रहे हैं, मनुष्य भी सब लोक लोकांतर भी, और सभी मुख में प्रवेश करते करते नष्ट होते जा रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः तथेव नाशाय विशन्ति लोका त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। जिस तरह से अग्नि की शिखा जल रही हो और अनेक पतंगे आकर उसमें जलते चले जाते हैं, इसी प्रकार से आपके मुख में, आपकी प्रदीप्त अग्नि में विनिष्ट होने के लिए सभी लोक लोकांतरों को मैं आते हुए जाते हुए देख रहा हूं। भगवान के उस स्वरूप का वर्णन किया जहां सारी चीजें विलीन होती हैं, नष्ट होती हैं, परमात्मा के स्वरूप का एक दृश्य ये भी है कि अगर उसमें से सब प्रकट हुआ तो सब उसी में समाहित भी हो जाता है। जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही जाले को बुनती है और फिर जाले को अपने अंदर समेट भी लेती है, कि आपने अपने अंदर से ही सब प्रकट किया, लेकिन इस समय मैं ये महसूस करता हूं कि जैसे पतंगे आकर अग्नि में जलते हुए नष्ट होते चले जाते हैं, ऐसे ये विशाल ब्रह्मांड लोक लोकांतर सब आपके मुख में आकर नष्ट हो रहे हैं। जैसे समुद्र में समाहित होने के लिए नदियां दौड़ी जा रही हैं, तब भगवान कृष्ण ने कहा, कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुम् प्रवृत्तः रितेपि त्वाम् न भविष्यन्ति सर्वे ये अव्यवस्थिता प्रतिनिकेषु योधा। कहा है कि मैं ही काल हूं, समस्त लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट होता हूं, सभी लोक लोकांतर फिर मेरे अंदर समाहित हो जाते हैं, और ये समस्त योद्धा लोग भी जो अभी दिखाई देते हैं ये भी आगे नष्ट होने वाले हैं, ये भी टिकने वाले नहीं हैं। आइए इस समस्त पर अब थोड़ा विचार करें। परमात्मा की एक व्यवस्था ऐसी है जिस व्यवस्था में जीव शरीर को छोड़कर जन्म के क्रम में फिर से शामिल होते हैं।
संसार में रोज हम देखते हैं नए नए अंकुर निकले होते हैं जमीन के अंदर, उनको बढ़ता हुआ देखते हैं। एक समय आता है कि फिर वो क्षय की स्थिति में आने लगते हैं, विनाश की स्थिति में आने लगते हैं। हमें सुंदर लगता है संसार में किसी का आना, लेकिन जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। आने पर ही खुशियां मनाई जाती हैं, भले ही आने वाला संसार में रोता हुआ आए, लेकिन आने पर ही खुशियां मनाई जाएंगी। जन्मदिन को ही मनाया जाएगा, जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि उसमें आगमन है। लेकिन जाने को हमने कभी उत्सव नहीं बनाया। जाने की स्थिति को हमने कभी महत्व नहीं दिया, जबकि जितना आना महत्वपूर्ण है उतना ही जाना भी महत्वपूर्ण है। अगर पुराने पीले पत्ते झड़ेंगे नहीं तो नई कोपले और नई कोपलों की बाहर वन के अंदर आएगी कैसे, उद्यान सजेगा कैसे। दुनिया में अगर यही क्रम रहे कि लोग आते ही रहें और जाना ना हो, तो ये संसार रहने के योग्य नहीं रह जाएगा। घर में या किसी संस्थान में अगर सुव्यवस्था होती है तो उसके लिए एक द्वार आने का भी रखते हैं, एक जाने का भी रखते हैं। मार्गों में व्यवस्था रहती है, एक तरफ जाने का मार्ग है, दूसरी तरफ आने का मार्ग है। उससे पता चलता है कि व्यवस्था सही है। अगर रोड छोटी भी है तो भी व्यवस्था ऐसी की हुई है कि एक तरफ से जा रहे हैं दूसरी तरफ से आ रहे हैं। ये जीवन का क्रम है। लेकिन हमने आने को अच्छा मान लिया, जाने को अच्छा नहीं माना। हमने दिन को अच्छा मान लिया लेकिन रात को अच्छा नहीं माना। सुख को ही अच्छा मान लिया लेकिन दुख को अच्छा कभी नहीं माना, क्योंकि हमें एक चीज ही अच्छी लग रही है। लेकिन याद रखना, दिन अच्छा इसीलिए है क्योंकि उसके सामने रात है, सुख अच्छा इसीलिए है क्योंकि उसके सामने दुख है। सर्दी की सुंदर हवाएं अच्छी लगेंगी तब जब सामने गर्मी का मौसम जा रहा है। इस संसार का सौंदर्य इसीलिए है। आना और जाना दोनों ही महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण जितना के फूल खिलते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है पुराने पीले पत्ते झड़कर नीचे गिर जाएं। किसी बच्चे का जन्म महत्वपूर्ण होगा लेकिन किसी बुजुर्ग की जर्जरित काया, जिसे वो संभाल नहीं पाता था, जिसे वो ढो नहीं पाता था, उसका जाना उतना ही महत्वपूर्ण। इसको संसार का सौंदर्य कहिए आप, विधाता का सुंदर रूप कहिए। अगर प्रणाम करते हो परमात्मा को तो केवल उसके दिव्य फूलों और फलों को लेकर के ही नहीं, सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए वो जो संसार में भेजता है और फिर वापस बुलाता है, इसे भी प्रणाम करना चाहिए। इंसान इस चीज को केवल जाने ही नहीं महसूस करे। इंसान को आना याद रह गया, जाना याद नहीं रहा, इस चीज का एहसास करे। भ्रमण करने के लिए आए हैं, यात्रा पूरी होने वाली है, जाना भी पड़ेगा। जिसने भेजा है उसने बुलाया है, वापस आना है। वापसी की बात याद रही तो जिसके पास जाना है उससे संबंध जुड़ा रहेगा, वहां पहुंचना है तो वहां से संबंध जुड़ा रहेगा। कमाल तो यह है कि यहां से संबंध जोड़ने के बाद उसको कभी याद ही नहीं करते, जाना याद नहीं करते, इसलिए उसकी याद भी पूरी नहीं आती। आती भी श्वास इशारा करती है संसार की तरफ, लेकिन जाती भी श्वास करतार की तरफ ही इशारा करती है कि वापस भी जाना है। हो सकता है जाती भी श्वास बाहर की बाहर ही रह जाए, वापस आ ही ना पाए।
ऐसे लोग भी देखे, उनके बारे में भी सुना गया, जिन्होंने जीवन के संबंध में ये बात बड़ी गहराई से कही, लेकिन जब उनके मुंह पर चोट पड़ी तो वो भी बिलबिला गए। कहा जाता है छज्जू भक्त एक बार इतने मस्त हो गए भक्ति में, परमात्मा के सब रूपों की तारीफ उन्होंने की, इस रूप की भी तारीफ की कि एक अंतिम सत्य जीवन का यह भी है, शरीर छूटेगा और वो आखिरी उत्सव होगा जीवन का, जब विदाई की घड़ी आएगी, विदा करने वाले लोग साथ साथ चलेंगे। तो किसी की अगर कभी कोई अर्थी चलती थी तो सुना जाता है कि छज्जू भक्त पीछे पीछे अर्थी के गीत गाते हुए चलते थे, हाथ में खड़ताल लेकर कहते थे, और रोने वाले लोगों, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी का उत्सव पूरा करके जा रहा है, आज उसको विदाई देने का समय है, भले ही तुम्हारी आंखें नम हों लेकिन उसके जाते समय के गीत गाओ जरूर, एक उत्सव के साथ भेजो उसे। अर्थी के पीछे गीत गाता था और कहता था, बहुत सुंदर ढंग से इस व्यक्ति ने अपने दिमाग के हिसाब से कार्य किए संसार में, अब विदाई की घड़ी आई है, विदाई दो इसे, गाकर हंसकर मुस्कुराकर, भले ही आंखों में आंसू रखो इस बात के लिए कि हमें इंतजार रहेगा कि तुम फिर आना, हमें इंतजार रहेगा इस बात के लिए कि फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं, इंतजार रहेगा कि इस संसार में फिर हम लोग नए चोले के रूप में एक दूसरे के साथ बैठेंगे। छज्जू भक्त गीत गाते थे और लोगों से कहते थे, जीवन का ये वार्षिक उत्सव है, असली उत्सव यही है। पर आदमी बड़ी बातें कह तो सकता है, बड़ी बातों के बीच जीना बड़ा मुश्किल है। कहा जाता है परिवार के ही किसी बहुत निकट के व्यक्ति को छज्जू भक्त ने जब रो मरते हुए देखा, फिर उत्सव भूल गए वो। तब स्थिति ऐसी हो गई, उनका गाना खत्म हो गया, अर्थी के पीछे बिलखते हुए रोते हुए गिरते हुए जा रहे थे। लोगों ने कहा, संत जी आज उत्सव नहीं मना। उन्होंने कहा, दूसरों के घरों में लगी हुई आग तो मैंने बहुत बार देखी, उस समय बड़ी बड़ी बातें कह देना बड़ा आसान है, आज अपने घर में आग लगी है, आज पता लगा इसका दर्द क्या होता है। किसी ने समझाया तब कि ज्ञान की अब जरूरत है, अब कहना हृदय से, तूने जिस प्यार से दिया था उस प्यार से वापिस भी ले लिया, पर मैं भी तेरे देवे को तुझे अर्पण करने में संकोच नहीं करूंगा, तेरी मर्जी है, तू अगर वापिस बुला रहा है तो बोला, शिकायत नहीं करो। और जाने वाले के प्रति गीत गा कि तेरी सारी अच्छाइयां बहुत प्यार से हम याद रखेंगे, मिलेंगे फिर इस संसार में, नई यादें फिर बनेंगी, नई कहानियां फिर चलेंगी, नए कर्म फिर से होंगे। कहते हैं छज्जू भक्त ने तब यह कहा था, ज्ञान जीभ तक ठहरा था, अंदर उतरा नहीं था,
अब थोड़ा एहसास होने लगा। अंदर तक अगर ये ज्ञान आ जाए फिर न किसी के आने से इतनी खुशी होगी, न किसी के जाने से गमी होगी, और अगर खुशी होगी तो हर पल में होगी, हर स्थिति में खुशी रहेगी। अर्जुन ने कहा नदियों को समुद्र में प्रवेश करते हुए जैसे देखा हो, जैसे पतंगों को अग्नि में जलते हुए देखा हो, ऐसे ही मैंने लोगों को आपके अंदर प्रवेश करते हुए देखा है। इसको देखकर इंसान डर सकता है, डरावना रूप है ये, लेकिन यह भी आवश्यक है, ये रूप भी आवश्यक है। अगर संसार में आना बना रहे, जाना ना हो, दुनिया का कोई काम ठीक से चल ही नहीं पाएगा। आपकी हर चीज में इन आउट वाली व्यवस्था चलती है ना, यहां भी ऐसा ही है। परमात्मा की व्यवस्था में ऐसा ही है, एक तरफ से आना दूसरी तरफ से जाना, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। धीरज से स्वीकार करो, प्यार से स्वीकार करो, इसका एहसास करो, ये जीवन की एक सच्चाई है। तब भगवान ने कहा अर्जुन मैं ही काल हूं, परमात्मा के इस रूप को भी याद रखना चाहिए, और काल हूं इसलिए कि लोगों को नष्ट करने के लिए संसार में प्रकट होता हूं। मतलब संसार में मैं एक रूप अपना यह भी रखता हूं, हर चीज बनती भी है तो बिगड़ भी रही होती है, एक ही समय में कोई चीज बन रही है कोई चीज बिगड़ रही है। एक के लिए मैं सृजन करता हूं और दूसरी तरफ मैं संहार कर रहा हूं, एक तरफ विष्णु का रूप हूं तो दूसरी तरफ शिव का रूप हूं, दोनों ही चीजें साथ चल रही हैं। एक तरफ पालन भी हो रहा है, यहां विष्णु रूप है, जहां पालन हो रहा है वहां मैं विष्णु रूप हूं, जहां संहार हो रहा है वहां शंकर के रूप में हूं, और जहां व्यवस्थाएं बन रही हैं, निर्माण हो रहा है, सृजन चल रहा है, ब्रह्मा का रूप लेकर मैं ही खड़ा हुआ हूं। अर्थात मैं ही एक ही रूप है, अनंत अलग अलग रूपों में जो प्रकट हो रहा है, भगवान का यही एक रूप है। वो परम सत्ता अलग अलग व्यवस्थाएं संसार में कायम करती है, संसार की चीजों का बनना, व्यवस्थित होना, धीरे धीरे क्षरण होना, फिर नष्ट हो जाना। लेकिन यहां एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, कोई भी चीज खत्म नहीं होती, रूप परिवर्तन होता है, फिर से चीजें सामने बन बनकर आती हैं, वही सब चीजें हैं। यही मिट्टी पृथ्वी का भाग, यही जल का भाग, वायु अग्नि आकाश, ये सारे तत्व मिलेंगे और इन्हीं का फिर विखंडन होगा। जब ये विखंडन होने लग जाता है तब उसे आप कहेंगे मृत्यु। इसलिए शब्द हैं देहांत, देह का अंत, शब्द हैं चल बसा, यहां से चला कहीं बसा, इसलिए ये जो व्यवस्थाएं हैं इन व्यवस्थाओं को समझिए। और एक बात हमेशा ही ध्यान में रखना, परमात्मा ने ये जो हमें अमरता नहीं दी, ये बड़ी कृपा है उसकी। अगर वो हमें सबको अमर कर दे इसी देह के हिसाब से,
संसार का सौंदर्य बिगड़ जाएगा, आप भी नहीं जी पाएंगे ढंग से।